गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर बिजी इन योर रिविजन वर्क? येस, यू आर वेरी बिजी इन योर रिविजन. सो स्टूडेंट्स, टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. ओके, लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली, बिकॉज आपकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं. जब तक आप एक गुड लिसनर नहीं बनते हो, बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर उसके बाद. सो लिसन टू ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू. ओके, वन वर्ड और वन लाइन आंसर विल कम इन योर एग्जाम्स. वन वर्ड आंसर और वन लाइन आंसर विल कम इन योर एग्जाम्स. ओके, एंड यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर्स थॉरोली, बिकॉज वन वर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका, या वन वर्ड आंसर क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है आपका चैप्टर्स में से. अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हो, अगर आपको चैप्टर्स के बारे में सब कुछ पता है, इफ़ यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर, सो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा आंसर्स अटेम्प्ट करना. फाइन, टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5. आई एम गेटिंग सो मैनी मैसेजेस एवरी डे, मैम आपने 5th के क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं या हमने नहीं किए हैं. तो ये क्वेरीज बहुत सारे बच्चों की जो है वो आ रही है. बच्चे, वी आर गोइंग टू डू इंटरनल क्वेश्चंस टुडे, वी आर गोइंग टू जस्ट डू रिवीजन. ओके, नो नीड टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 5. एंड मैम बुक वर्क हमने नहीं किया है इसका. बच्चे सी हेयर, नो ग्रामर. हेयर यू विल डू टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. ये टेंसेस जो है बेटा, ग्रामर का बड़ा वास्ट टॉपिक है. ठीक है, तो ये आपको ऐसे नहीं है कि आपका एक दिन में ये वीडियो आपको सेंड करूँगी मैं और आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म में हम ये टेंसेस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज भी इसकी तभी कंप्लीट हो पाएगी जब हम पहले टेंसेस को कंप्लीट करेंगे. सो डोंट बी पैनिक मैम, सारी रिविजन आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे. हमारी आर्टिकल्स की रिविजन हो चुकी है. So today we are going to do practice of internal questions. Students, see here your syllabus. In your syllabus, chapter 3, 4, 5, question answer, word meaning, book work, antonyms, articles, nouns, common and proper noun, countable and uncountable noun. This is your whole syllabus. Antonyms, हमने बिल्कुल starting में किए थे. It means opposite words. You can revise because you have written these antonyms in your notebook. Articles we have done revision through video. Nouns we have already done so many times, common and proper noun, countable and uncountable noun. But one more time we will revise. And word meanings you can do yourself because in your book or in your notebook you have done. Book work ये आपने किया हुआ है, सिर्फ 5th chapter को छोड़ के, otherwise 3rd and 4th chapter का आपका book work complete है. So you can revise. Okay, today we will do practice. Let's see, your chapter is the tiger in the storeroom. Internal questions: which animals are mentioned in the play? Which play? The tiger in the storeroom. This is a play. ये एक role play है. तो कौन कौन से animals mention है chapter में? Cat, dog, tiger. यस, ओके. अगर आप क्लास में होते और ये चैप्टर मैं आपको करवा रही होती तो हम डेफिनेटली इसका एक रोल प्ले करते. हु स्टार्टेड द स्टोरी अबाउट समथिंग गेटिंग इन टू द स्टोर रूम? कि कोई स्टोर रूम में है, कुछ स्टोर रूम में है, तो ये किसने स्टार्ट किया था? किससे स्टार्टिंग हुई थी कि स्टोर रूम में कोई है? रोहित से स्टार्टिंग हुई थी. रोहित ने ही अपनी सिस्टर को बताना स्टार्ट किया था कि स्टोर रूम में कोई है, देखो वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है. वॉट डज अम्मा कीप इन द स्टोर रूम? अम्मा ने स्टोर रूम में क्या रखा? राइस, दाल एंड जैगरी. वॉट डिड वी विल हियर बिकॉज दिस इज इन पास्ट. वॉट डिड अम्मा कीप इन द स्टोर रूम? राइस, दाल एंड जैगरी. जैगरी क्या होता है? गुड. नेम द स्वीट डिश दैट अम्मा मेड. अम्मा ने कौन सी स्वीट डिश बनाई थी? खीर. अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह रीड किया है देन यू कैन गिव आंसर इजीली. व्हाट डिड दादी से अबाउट टॉम कैट?
दादी सेड नो कैन गेट इन टू द स्टोर रूम बिकॉज द बार्स एट द विंडो आर सेट क्लोज टूगेदर. कि दादी ने बोला कि स्टोर रूम में तो कोई नहीं जा सकता क्योंकि जो विंडो के बार्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं. सो नोबडी कैन एंटर इन टू द स्टोर रूम. हु फर्स्ट सेड दैट अ डॉग हैड गॉट इन द स्टोर रूम. सबसे पहले किसने बोला था कि जो डॉग है वो स्टोर रूम के अंदर है. येस कम ऑन इफ यू नो द आंसर. दादी. दादी सेड दिस वर्ड बट शी वॉज नॉट श्योर. शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि स्टोर रूम में शायद डॉग है. इट मस्ट बी दैट ग्रे टॉम कैट. हु सेड दिस वर्ड. ये वर्ड्स किसने बोले थे. अम्मा ने. रोहित्स मदर. वॉट डिड नेबर टेल द फैमिली अबाउट द टाइगर. वेन नेबर एंटर टू द रोहित एंटर टू रोहित्स हाउस वॉट डिड ही से. ही सेड दैट अ टाइगर हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम सर्कस. कि जो एक टाइगर है वो सर्कस से भाग के बच के निकल आया है. हु सजेस्टेड दैट इट कुड बी अ मैड डॉग. किसने सजेस्ट किया था कि एक मैड डॉग हो सकता है. दादा. रोहित्स ग्रैंड फादर. हु वॉज श्योर दैट अ टाइगर हैड गॉट इन. कौन श्योर था इस चीज़ के लिए कि टाइगर जो है वो स्टोर रूम में है. इट इज़ कन्फर्म दैट देयर इज़ अ टाइगर इन द स्टोर रूम. रोहित वॉज श्योर दैट अ टाइगर हैड गॉट इन. एक्चुअली हु एट द खीर. किसने सारी खीर वो ख़त्म की थी. किसने खाई थी वो खीर एक्चुअल में. एट लास्ट वॉट डू यू कम टू नो. रोहित एट ऑल द खीर. वॉट डिड द फादर से अबाउट द स्टोर रूम. दैट देयर इज नथिंग देयर. कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं है स्टोर रूम में. What happened when father entered into the storeroom? There is some खीर left. कि वहाँ पर कुछ खीर बची हुई थी. And there was a book there. और वहाँ पर एक बुक रखी हुई थी. जो आवाज़ें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी. क्योंकि जो हवा चल रही थी वो विंडो के थ्रू स्टोर रूम में आ रही थी. और वो जो बुक के पेजेस थे उनसे वो साउंड क्रिएट हो रही थी. कि हर किसी को ये लग रहा था कि स्टोर रूम में कौन है. कभी वो डॉग इमेजिन कर रहे थे, कभी कैट इमेजिन कर रहे थे, कभी टाइगर इमेजिन कर रहे थे. बट रियलिटी क्या थी. रोहित ने वो खीर खाई थी और रोहित वहाँ बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था खीर खा के. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर रिवीजन वर्क ऑफ इंटरनल क्वेश्चंस. सेम विथ थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर. ओके सो रीड द चैप्टर्स थॉरली. मे बी एनी टाइम आई कैन टेक योर टेस्ट ऑफ इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ. Okay, revise your word meanings, antonyms. Okay, students, have a nice day. Bye-bye.